डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री को बेसिक से। ठीक है, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति जिसको बोला जाता है, उसको बेसिक टू हाई पढ़ने वाले हैं। पहला वीडियो है तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर हम लोग लिखे हैं मैथमेटिक्स बेसिक टू हाई, ज्योमेट्री और ज्यामिति जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ज्योमेट्री कहते किसको है, किसे ज्योमेट्री कहेंगे, क्यों पढ़ते हैं आखिर, ये सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। समझिए क्या है ज्योमेट्री का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कहता है कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद 2D एंड 3D फिगर्स इज नोन एज ज्योमेट्री। यानी कि एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में डील्स करता है, स्टडी करते हैं इसमें, इसी को ज्योमेट्री बोला जाता है। अब आइए देखते हैं बारी बारी से कि ये 2D फिगर्स क्या है और 3D फिगर्स क्या होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 2D फिगर्स यानी कि इसको प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। जो 2D फिगर्स है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स भी बोला जाता है। क्या होता है, अ सिंपल फिगर विच कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का स्पेलिंग थोड़ा ए हो जाएगा, तो विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन और फ्लैट सरफेस इज नोन एज 2D फिगर्स। यानी कि देखिए, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसको आप ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं प्लेन या तो फ्लैट सरफेस पे। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, तो बोर्ड क्या है, प्लेन सरफेसेस है। इस पे जो भी फिगर्स आप ड्रॉ कीजिएगा वो आपका प्लेन फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, प्लेन फिगर्स हैज ओनली 2 डायमेंशंस। इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेंथ और ब्रेथ। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है बच्चे, तो उसको बोलते हैं 2D फिगर्स। समझ में आया बात। यानी कि जैसे आप पॉइंट के बारे में पढ़ोगे, आगे हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है ना, तो इसमें सिर्फ समझ लेते हैं 2D फिगर्स और 3D फिगर्स क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चे, वो है आपका पॉइंट, दूसरा है लाइन सेगमेंट, एंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स, इस जितने भी आप नाम सुने हो, सर्कल्स, ये सब जो भी है, वो सब के सब क्या है आपका 2D फिगर्स में आते हैं। ओके, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं 3D फिगर्स की। तो देखिए 3D फिगर क्या है, अ फिगर हैविंग 3 डायमेंशंस, यानी कि इसमें 3 डायमेंशन होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। जैसे हम लोग का शरीर देखिए ना, कुछ भी आप जो भी वस्तु आप देख रहे हो सब 3D में है। ठीक है, 2D में आपका वो वस्तु केवल पिक्चर में होता है। आपका भी पिक्चर बनेगा तो 2D में ही बनेगा, लेकिन आपका जो पूरा होल शरीर है, होल बॉडी है, दैट बॉडी इज 3D फिगर्स। ठीक है, तो आप भी एक 3D फिगर्स में हो। ठीक है, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होगा। यानी कि जिसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज होता है उसको 3D फिगर्स बोलते हैं। उसको दर्शाने के लिए हम लोग एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, कैसे, हालांकि बनाएंगे 2D फिगर पर, लेकिन फिर भी उसको दर्शाएंगे कि 3D फिगर है। एग्जाम्पल्स में आप देख लो, कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हो, देखो ऐसा है कीबोर्ड, दिखा जो ये छपा है वो किस पे है, वो आपका 2D फिगर पे, मतलब 2D ही प्लेन पे, यानी कि प्लेन सरफेस पे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब की बात करें तो क्यूब भी आपका 3D फिगर में, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम वगैरह जो भी आता है वो सब के सब किस में है, स्फेयर जो पढ़ते हैं, होलो सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब जितने भी नाम आप सुन रखे हो वो सब के सब 3D फिगर्स में है बच्चे। ठीक है, कुछ नोट्स यहां पे हमने लिखा है जो बेहतरीन लाइंस है, जिसको आप याद कर लोगे तो आपको बेनिफिट्स होगा। जैसे अ प्लेन फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विथ 2 एक्सिसेस ओनली। देखिए जो प्लेन फिगर्स होते हैं, यानी कि जो 2D फिगर्स होते हैं, उसको आप 2 डायमेंशन में शो कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, 2 एक्सिस ले सकते हैं, उसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, उसमें आप ले सकते हो। जबकि अ सॉलिड फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 एक्सिस। सॉलिड फिगर को कितने एक्सिस में दिखा सकते हैं, 3 एक्सिस में दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने बना भी रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 2D फिगर्स में। जैसे ट्राइंगल एक बनाया, तो ट्राइंगल में क्या हो सकता है, एक लेंथ हो सकता है इधर अगर आए और इधर होता है ये ब्रेथ। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऊपर माहिर निकालना होता है, दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रेथ जो आपका है, ये है आपका इधर लेंथ, ब्रेथ, ऐसे भी कर सकते हैं।
किसी को मान सकते हो, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में आप दिखा सकते हो टू डी फिगर्स को। थ्री डी फिगर्स की बात अगर करते हैं तो जैसे मान लो कि एक क्यूबोर्ड दिखा दिए, तो क्यूबोर्ड में आप लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिखाते हो, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिखा रहे हैं, तो इस कारण से थ्री डी फिगर्स हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टू डी फिगर्स क्या है, थ्री डी फिगर क्या है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग टू डी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से आपको अगला वीडियो भी देखना है ताकि आपको पूरी तरह से ज्योमेट्री समझ में आए। ये बेसिक टू हाई है बच्चे, इसको अगर आप ढंग से पढ़ लिए ना तो आपको आगे वाला जो भी ज्योमेट्री वाला होगा कंसेप्ट प्रोर्शन वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।